हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। वो खुद दबंग है और मैं आज से नहीं, हम लोग बहुत स्टार्टिंग के टाइम से साथ हैं। हाँ जी, तो हम लोग काफ़ी वक्त से साथ हैं और बहुत काम किया और इनका प्यार हमेशा साथ रहता है कि शबाब भाई आना है और मैं आप लोगों के रूबरू हाजिर हो गया। तो मेरे अपने अंधेरे हैं, मेरे अपने पिटारे हैं, आज़ाद बाशिंदा हूँ मैं, अपने रब का बंदा हूँ मैं, हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, चुलबुल दबंग 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 दबंग। क्या बात, क्या बात, क्या बात। भोजपुरी की पहली बायोपिक है, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया जा रहा है ये मामला, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी टीम बधाई की पात्र है क्योंकि भोजपुरी में अब तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए लेकिन इस जॉनर का पहली बार किया जा रहा है, तो पहली बार करने वाले को चाहे कोई भी काम हो सलाम है, क्योंकि वो एकदम ऐसा कदम होता है कि जिसके बाद फिर बुनियाद रखी जा सकती है, एक हिस्ट्री रची जा सकती है। तो मुकद्दर का सिकंदर की पूरी टीम को, शमीम भाई को, वसीम भाई को, पांडे साहब को, नीरव भाजी को, अम्रपाली जी को और तमाम टीम से जुड़े सभी को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये मुकद्दर का सिकंदर बहुत हिट हो जाए और मुबारक हो जाए इनका नया साल 2020, कम से कम 20-20 करोड़ तो कमाए। ऑल द बेस्ट सर। ये कहते हैं सुनील पाल, ये कहते हैं सुनील पाल और कमाए 20 करोड़ का माल। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नए साल में भोजपुरी जगत में एक नई शुरुआत हो रही है, पहली भोजपुरी बायोपिक हो रही है। हिंदी में तो बहुत सारी फिल्में आई हॉलीवुड बॉलीवुड में, लेकिन पहली बार भोजपुरी में ये शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले मैं पूरी टीम को, मुकद्दर का सिकंदर की पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, वसीम भाई को, शमीम भाई को और हमारे द ग्रेट वन एंड ओनली जिनका फ़ैन है आदम और हवा, जिनका नाम है निरहुआ। ऐसे हमारे निरहुआ जी को, और जो फिल्मों में इतनी बिजी है, करती है दिन पाली और रात पाली, जिसका नाम है आम्रपाली, दो दो शिफ्टों में काम करती है, तीन तीन शिफ्टों में काम करती है, ऐसी हमारी प्यारी आम्रपाली, ऐसी पूरी टीम को मैं और डायरेक्टर पांडे साहब को मेरी शुभकामनाएं कि ये बहुत अच्छा कदम है। बायोपिक बनने से बहुत चेंज आता है फिल्म में, एक रियल स्टोरी पता चलती है, इंस्पायरिंग स्टोरी पता चलती है और लोगों को फिल्म से जुड़ने का एक अच्छा मौका मिलता है। भोजपुरी फिल्में मेरी बहुत सारे दिल के करीब है। मैं भोजपुरी फिल्में पुरानी जो सुजीत कुमार साहब से लेके जो हमारे कनाल जी की फिल्म, रवि किशन, ससुरा बड़ा पैसे वाला, मनोज तिवारी, ये सब फिल्में बहुत देखता रहा हूँ और फिर निरहुआ और अब ये सब जो नए खेसारी लाल, तो इनकी सबकी फिल्में देखता हूँ मैं और मैंने भी एक दो फिल्में भोजपुरी में एज एन एक्टर काम किया है, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा मिलता है, बहुत ही प्यारा वातावरण होता है और परिवार की तरह मिल के शूटिंग करते, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आप दोनों सब लोग जियो हज़ारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल, लव यू ऑल। अच्छा लगा आकर और मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ शमीम भाई को, अल्लाह ताला इस फिल्म को बहुत बुलंदी पर लेके जाए और सभी लोग इसको बहुत लाइक करें, पसंद करें और दिल से शुभकामनाएं मिलती हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.